अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद सईदा साजिदा। आज हम आपके सामने फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। देखिए, मसाले वाले आलू फ्राई की रेसिपी है ये। हम मसालेदार आलू आपको फ्राई करके बताएंगे। देखिए, आलू फ्राई करने के लिए हमने आलूओं को इस तरीके से पीसेस में काट लिया है। देखिए, अदरक लहसुन पेस्ट, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा धनिया पाउडर और चाट मसाला, देखिए थोड़े से हरी मिर्च और करिया पात। हम इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में हरी मिर्च जी को ले लिए हैं। चलिए अब हम आपको आलू फ्राई करके बताएंगे। देखिए, आलू फ्राई करने के लिए हम यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डालकर अच्छी तरीके से गरम कर लिया है। अब हम इसमें आलू फ्राई कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर तेल में हमने आलू अच्छी तरीके से वॉश करके ऐड कर लिया है। अब हम इसको क्रिस्पी हुए तक ऑयल में फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्रिस्पी हुए तक हमको आलू को अच्छी तरीके से फ्राई करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, लाइट ब्राउन होने आ रहे हैं हमारे आलू। अभी हमको अच्छी तरीके से लाल करना है इसको क्रिस्पी हुए तक। देखिए फ्रेंड्स, हमको अब इसमें नमक ऐड करना होगा। देखिए, अपने जायके के हिसाब से नमक ऐड करिए, क्योंकि आलू में नमक बहुत ही कम पड़ता है, वो हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, हाफ फ्राई हो चुके हैं आलू हमारे। अब इस स्टेज पर हम हरी मिर्च और करिया पात ऐड करेंगे, क्योंकि आलू के साथ ही ये क्रिस्पी हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आलू अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो चुके हैं, मिर्ची भी उसके साथ क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम इसका तेल निकाल लेंगे और हमारे मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर हम। देखिए फ्रेंड्स, आलू में से हमने तेल निकाल लिया है। हमको जितना इसमें मसालों में तेल लगता, वो थोड़ा सा हमने 1 स्पून उतना इसके अंदर छोड़ दिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। देखिए, अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला, जीरा धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए, आलू को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। देखिए फ्रेंड्स, मसाले वाले आलू बिल्कुल रेडी है दाल चावल के साथ खाने के लिए। आप किसी भी सब्जी के साथ ले सकते हैं या पराठे के साथ भी आप ले सकते हैं। देखिए, अब डिश आउट करके बताएंगे। देखिए, ये मसाले वाले आलू की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।